आज हम बनाएंगे ट्राई कलर बर्गर। इसमें होंगे दो तरह के टिक्की, एक ग्रीन टिक्की और एक ऑरेंज टिक्की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ ट्राई कलर बर्गर। रिपब्लिक डे तो हम सभी सेलिब्रेट करते ही हैं, अगर हमारा फूड भी ट्राई कलर हो तो और भी मज़ा आ जाए। ट्राई कलर बर्गर बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। बर्गर बनाने के लिए हमें चाहिए 7 से 8 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू, कटा हुआ हरा धनिया, मटर जिसे मैंने 6 से 7 मिनट के लिए थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल किया है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, 6 से 7 ब्रेड स्लाइसेस, नमक, चाट मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च, देगी मिर्च, एक मैगी मसाला का पाउच और बर्गर वाले बन। सबसे पहले हम ब्रेड के क्रम्स बना लेते हैं। मैंने आज चॉपर यूज़ किया है, आप चाहें तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को तोड़ के हम इसमें डाल देंगे और हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए क्रम्स हमारे रेडी हैं। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे, उसमें हम 3 से 4 चम्मच बॉईल किए हुए मटर डालेंगे। मैंने फ्रेश लिए हैं तो बॉईल किया है, अगर आप फ्रोज़न ले रहे हैं तो उसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जो ये 8 आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, इसमें से हम पहले 4 ही यूज़ करेंगे ग्रीन टिक्की बनाने के लिए। सबसे पहले मैशर से हम मटर को अच्छे से मैश कर लेंगे, अगर थोड़े ग्रेन्स रह भी जाएंगे तब भी कोई बात नहीं। फिर हमने जो आलू लिए हैं बॉईल किए उसे हम ग्रेट कर लेंगे, इसमें हम 4 आलू ग्रेट करेंगे। और जो हमने ब्रेड के क्रम्स बनाए थे हम इसमें हाफ डालेंगे और हाफ हम अपनी ऑरेंज टिक्की के लिए अभी रख देंगे। इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कटी हुई मेथी भी डाल सकते हैं, अगर आपको मेथी का टेस्ट पसंद है तो। हम इस पर लाल मिर्च भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसका कलर ग्रीन रखना है। ये देखिए हमारा ग्रीन डो रेडी है टिक्की के लिए। अब हम ऑरेंज डो भी बना लेते हैं। जो बचे हुए 4 आलू थे अब हम उन्हें ग्रेट कर लेते हैं अलग से। हमें ग्रेट ही करना है, मैश नहीं करना हाथ से। और जो बचे हुए ब्रेड क्रम्स से वो हम इसमें डाल देते हैं। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे और एक मैगी मसाला का पाउच डालेंगे, इससे इसका कलर ऑरेंज भी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ऑरेंज डो भी रेडी हो गया। हमारा ग्रीन डो रेडी है टिक्की के लिए और ऑरेंज डो भी रेडी है टिक्की के लिए। अब हमें बेसिकली 2 टिक्की बनानी है। हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ग्रीन डो में से हम थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरीके से गोल करते हुए टिक्की रेडी कर लेंगे। इसे हम हर तरफ से प्लेन कर लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रीन टिक्की रेडी है। इसी तरीके से हम ऑरेंज टिक्की भी रेडी कर लेंगे। बर्गर को ट्राई कलर बनाने के लिए हम इसमें एक ऑरेंज टिक्की लगाएंगे और एक ग्रीन टिक्की लगाएंगे। देखिए टिक्की हमारी दोनों रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे नगेट्स भी रेडी कर लेंगे, ऑरेंज कलर के भी और ग्रीन कलर के भी। ये हमारे गार्निशिंग में भी काम आएंगे और ये वैसे भी बहुत खाने में टेस्टी लगते हैं। देखिए हमारे नगेट्स और टिक्की एकदम रेडी है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसे मीडियम टेम्परेचर पर गर्म कर लेंगे और हम इसमें अब टिक्की को फ्राई कर लेते हैं। टिक्की हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करनी। अगर हम फ्लेम हाई रखेंगे तो ये टिक्की ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। देखिए हमारी क्रिस्पी टिक्की एकदम रेडी है। अब हम इसे अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे और हम इसे अब ऑयल से निकाल लेंगे। टिक्की हमारी ऑरेंज भी रेडी है और ग्रीन भी रेडी है। देखिए टिक्की कितनी क्रिस्पी और टेस्टी बनी है और कलर भी इसका कितना अच्छा बना है। अब हम नगेट्स भी रेडी कर लेते हैं। ये देखिए इसे भी हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बर्गर आप और भी कई तरह के बना सकते हैं,
मेरे चैनल पर अपसाइड डाउन बर्गर की रेसिपी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और उसका लिंक मैं आई बटन में भी डाल दूंगी। देखिए नगेट्स भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और जो हमने बर्गर वाले बन लिए थे उसे हम कट करके इस बटर में अच्छे से सेक लेंगे ताकि अच्छे से गर्म भी हो जाएंगे और बटर से इनका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। बर्गर वाले बन को बीच में से कट करने के लिए नाइफ को थोड़ा सा गर्म कर लें, इससे अच्छे से बन कट भी जाता है और जल्दी भी कट जाता है। इसे हम अलट पलट के दोनों तरफ से सेक लेंगे। बन हमारे बटर में अच्छे से सिक गए हैं दोनों तरफ से। अब हमने बर्गर को असेंबल कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बर्गर का नीचे वाला पार्ट लेंगे, फिर हम एक ग्रीन कलर की टिक्की लेंगे, उसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे वाइट कलर के लिए, फिर हम एक पनीर का स्लाइस रखेंगे और फिर हम ऑरेंज टिक्की रखेंगे इसके ऊपर, दो से तीन प्याज के स्लाइसेस रखेंगे और फिर हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे। फिर हम एक टूथपिक या स्टिक लेंगे, उसमें हम ये जो हमने नगेट्स रेडी किए थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इस तरीके से इसे बर्गर के बीच में सेट कर देंगे, इससे बर्गर देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा और ये सेट भी रहेगा। ये देखिए हमारा ट्राइकलर बर्गर रेडी है। इसे हम ग्रीन चटनी सॉस और मेयोनीज के साथ सर्व करेंगे ताकि जो हमारी सॉसेस हैं वो भी ट्राइकलर में हो जाए। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि ये ट्राइकलर कैसे है। सबसे पहले हम स्टिक को निकाल लेंगे और देखिए हम एक नाइफ से बीच में से इसे कट करेंगे तो हमारी ऑरेंज ग्रीन टिक्की नज़र आएगी और बीच में जो हमने वाइट पनीर डाला है वो भी एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हमारा ट्राइकलर बर्गर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस रिपब्लिक डे पर इस बर्गर को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।